नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले पर सियासत गर्मा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कई विधायक मंगलवार को राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाने पहुंचे। यहां नर्सिंग घोटाला मामले में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने मामले में जांच का आश्वासन देकर आवेदन ले लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टीटी नगर थाने के बाहर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। PCC जीतू पटवारी ने यहां मीडिया से बात की और कहा, नर्सिंग घोटाला प्रमाणित है, उसे किस मंत्री द्वारा नियम बदल बदल कर किया वो भी प्रमाणित है। बावजूद इसके मोहन सरकार अपने मंत्री पर कार्यवाही करने के बजाय उन्हें बचाने में लगी है। पटवारी ने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी लाखों छात्रों के न्याय की इस लड़ाई को लड़ने को प्रतिबद्ध है। जैसे जीवन सत्य है, ये सृष्टि सत्य है, वैसे ही नर्सिंग घोटाला सत्य है। और नर्सिंग घोटाले में करप्शन हुआ, नियम और कानून बदल बदल, वो बदला किसने? सरकार ने और संबंधित मंत्री ने, उस समय के संबंधित मंत्री ने। CBI पैसे लेते हुए पकड़ी गई। उस बीच में जितनी भी अनियमितताएं हुई उसका हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भाषण देते हुए अपने सदन में संज्ञान में सरकार के लेके आए और मांग की कि संबंधित उस समय के मंत्री को आरोपी बनाना चाहिए, तो मोहन सरकार जी ने इसमें संज्ञान में नहीं लिया। कांग्रेस का विपक्ष का दायित्व है कि वो 4 लाख बच्चे जिनकी परेशानी, जिनका दर्द, जिनका दुख, जिनका भविष्य अधर्म है, उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़े, विपक्ष लड़े, इस क्राइम और करप्शन के अगेंस्ट लड़े। ये एहसास है इस बात का, ये आज की घटना एहसास है इस बात का कि कितना डरा हुआ है मंत्री, कितना सहमा हुआ है मंत्री। चोर की दाढ़ी में तिनका, कांग्रेस पार्टी निडरता से अपनी बात कहती रहेगी, हर हालत में कहती रहेगी और बार बार कहती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।